मॉर्निंग गाइस, तो कैसे आप सब? आई विश अच्छे होंगे। मेरे ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है सभी भाइयों का। भाई सडन हो चुके हैं फिलहाल ड्यूटी, और ड्यूटी बस ऐसी है यार, कभी होता है कभी काम नहीं होता। ड्यूटी का मतलब फ्री काम करना ना करना अपने हाथ में है ना। बाकी देख लो, मैं बिल्डिंग दिखा देता हूँ जिसपे अपना वर्क चल रहा है। ये दुबई की गवर्नमेंट की जो साइट है, दुबई की गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, इसमें बड़ा काम चल रहा है मेंटेनेंस का। एक बार बैक कैमरा से आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई, ये जितनी बिल्डिंग है, जितनी बिल्डिंग बनी हुई है गवर्नमेंट की है, एक सामने वो देख रहे हो भाई, बुल बुर अल अरब, ये भाई पूरी गोल्ड की बनी हुई है। वर्ल्ड में पहले नंबर पे आता है इसमें, हर एक चीज़ गोल्ड की लगी हुई है, हर एक चीज़ गोल्ड की। कभी मौका लगा तो अंदर से भी दिखाऊंगा, बट अभी दूर से देख लेते, कोई बात नहीं। देखो भाई, ये है दुबई, एक नंबर। मतलब कभी किसी भाई को मौका लगे तो एक बार ज़रूर आना यार, किसी भी तरीके से कैसे भी, अगर बाई चांस कभी लगे कि आना है दुबई घूमना है तो एक बार ज़रूर आना। अभी देख लो भाई कितनी हाइट पर खड़ा हुआ। ये देखो रोड, क्या ज़बरदस्त रोड है। ये देखो भाई, रेड लाइट पर गाड़ियाँ खड़ी होती हुई, सारे रूल रेगुलेशन एकदम फॉलो करते हुए बराबर। भाई आई विश कि जो भाई दुबई जाना चाहते हैं, दुबई घूमना चाहते हैं, तो भाई एक बार आओ, देखो, घूमो फिरो, कोई मौका लगे निकालो, टाइम निकाल के एक बार दुबई आओ घूमो। बाकी एक नंबर चीज़ है, घूमने लायक कंट्री है भाई, एक नंबर बहुत बढ़िया कंट्री है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे को काफ़ी टाइम तो नहीं हुआ, मतलब 7-8 मंथ हो गए। मेरा जो ट्रिप चालू हुई थी दुबई की, 27 सितंबर से चालू हुई थी, और आज देख लो अभी आज क्या चल रहा है, मई चल रहा है, मई की 11-12 तारीख हो चुकी है। जितने भी दिन गए बहुत बढ़िया गए, एक नंबर के दिन गए। जॉब अलग चल रही है, जॉब के टाइम पे जॉब हो जाती है, मौज मस्ती के टाइम पर मौज मस्ती होती है, सब कुछ बढ़िया, एक नंबर चल रहा भाई, बढ़िया भाई, एक नंबर चीज़ है। बाकी दुबई के बारे में बहुत कुछ बताना है मेरे को, धीरे धीरे बताएंगे, जैसे जैसे ब्लॉग डालूंगा उसमें सारी चीज़ आपको बताएंगे, सारी चीज़ डिटेल में बता दूँगा। जो भी चीज़ जो मैंने देखी, जो आगे देखूँगा, जो भी सारी चीज़ दिखेगी, सारी चीज़ डिटेल में बताऊँगा, एक नंबर चीज़ है ना। बाकी टाइम टू ब्लॉग मिलते रहेंगे आपको, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं डिटेल वगैरह जो भी है मैं ब्लॉग के जरिए दे दूँगा। और जो भाई आना चाहते हैं मॉल, वेलकम है उन भाइयों का, और ये भी बता दूँगा कैसे आएँ और किस तरीके से आएँ। भाई जो भी बंदे दुबई आना चाहते हैं लीगल तरीके से आना, देखो साफ बता देता हूँ, यहाँ पे उल्टे काम भी होते हैं, दो नंबर काम भी होते हैं। कुछ बंदे ऐसे मिलेंगे आपको जो पैसे ले लेंगे और आपसे बोलेंगे कि हम आपको दुबई भेजेंगे, फिर आप 2-3 मंथ बाद परेशान हो गए, उन्होंने बोल रहे मैंने पैसे दे दिए, अभी तक दुबई की कहाँ जाने का कोई प्लान नहीं है। पहले कंपनी में इंटरव्यू दोगे, कंपनी आपको सेलेक्ट करेगी, उसके बाद आपका मतलब विजिट वीज़ा लगाएगी, विजिट वीज़ा लगाने के बाद आपको 3 मंथ का वीज़ा लगेगा, आपका वेरिफिकेशन होगा, आपका मेडिकल होगा, सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद कंपनी आपका वीज़ा लगाएगी, विजिट वीज़ा 3 मंथ का। उस 3 मंथ के वीज़े में आपको 3 मंथ तक रखेगी, अगर आपको काम पसंद आता है, आपको जो पसंद आती है तो ठीक है, नहीं तो आपको 3 मंथ बाद आपसे पूछेगी कि भाई आपको काम करना है आगे तो वीज़ा लगाए, नहीं करना है तो आप वापस जा सकते हैं। बाकी यार जो भी है ना, मैंने जितना देखा इतने मंथ में सब चीज़ अच्छी है, बंदा अगर मेहनत करे, लगन करे, लगा के काम करे ना, तो सारी चीज़ अच्छी है। क्योंकि देखो मेहनत करने से ही फल मिलता है, चाहे मेहनत कहीं भी करो फल मिलेगा। यहाँ का ये सिस्टम अच्छा है कि मेहनत करोगे तो यहाँ फल डबल मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ की करेंसी है वो अपने इंडिया की करेंसी के मुकाबले ज़्यादा है। यहाँ का 1 AED अपने इंडिया के 23 के बराबर है, ठीक है। बाकी बहुत बढ़िया कंट्री है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो चाहता हूँ जितने मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, जो भी भाई दुबई आना चाहते हैं, आए देखे दुबई में, घूमे फिरे और भाई अपने आगे बढ़ते रहे।
दुबई आने के लिए जो भी इंटरव्यू वगैरह होते हैं एक बार बता देता हूँ सभी भाइयों को जो लोग देख रहे हैं। भाई अपने इंडिया में बहुत सी जगह है जो कंपनी जाती है अपने इंडिया में इंटरव्यू लेने के लिए। इंटरव्यू लेने के बाद फिर सेलेक्ट होता है बंदा, इसके बाद वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स का मेडिकल होता है, इसके बाद कंपनी आगे का प्रोसेस करती है, इसके बाद आपको दुबई के लिए एंट्री मिलती है, इसके बाद आपको फ्लाइट का पता लगता है कि कंपनी कितनी तारीख को कितनी डेट को आपको फ्लाइट करती है। यार मेरे हिसाब से मेरे को अच्छी लगी कंट्री, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो इतना टाइम रहते रहते हो गया, स्टार्टिंग में ऐसा थोड़ा अजीब से लगा था, यहाँ के लोग रहना सहना जगह ऐसा लगा था मैं रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा। 2-3 महीने तक तो मतलब ऐसा रहा, मेरे को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया था क्योंकि मैं स्टार्टिंग मेरा जो वीज़ा है दुबई में दूसरी साइड का वीज़ा था। मैं 2 मंथ वहाँ रहा, मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी, तो उसके बाद मैं वापस दुबई आ गया। दुबई आने के बाद अब फिर यहाँ पे जब मॉल वगैरह देखा, यहाँ सब चीज़ अच्छी लगी, तो फिर अब यहीं रहने का सोच ली। तब तक हैं फिलहाल तो यहीं है, बाकी एक अपने बड़े भाई हैं जिनकी वजह से मैं दुबई आया, वो उनको यहाँ पे 6-7 मतलब 6-7 साल हो गए। अपने भाई हैं, उनका भाई का नाम है घनश्याम, प्यार से हम उनको गन्नू बोलते हैं। उनकी वजह से मैं दुबई आ पाया, भाई ने बहुत साथ निभाया। भाई का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो भाई ने इतना साथ दिया कि आज मैं दुबई हूँ। काफ़ी टाइम से मैं काफ़ी साल काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि यार मैं भी अदर कंट्री में जाऊँ, जॉब करूँ, देख के आऊँ। लाइफ में मतलब एक सपना रहता है ना, ड्रीम रहता है कि यार कि कंट्री से इंडिया से बाहर जाके दूसरी कंट्री में रहना, घूमना फिरना, जॉब करना, एक वो रहता है, हर किसी की इच्छा रहती है। भाई की वजह से पूरी हुई, आज जैसा हूँ जो भी हूँ भाई की वजह से हूँ। बाकी घर वालों का भी साथ था, घर वालों ने भी बहुत साथ दिया, फैमिली वालों ने। भाई ना अमीर हूँ ना गरीब हूँ, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फैमिली वालों ने बहुत सपोर्ट करा यहाँ तक पहुँचने के लिए, आज भी सपोर्ट करते हैं, आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। और ऐसी बात नहीं है वही सपोर्ट करें हमेशा, मेरा सपोर्ट भी ज़रूरी होगा। उन्होंने जितना सपोर्ट किया मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे से रिलेटेड रहेगी, कोई मतलब गलत इन्फॉर्मेशन या झूठ नहीं बोलूँगा, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी मतलब सही बताऊंगा। जो भी है, जो मेरे साथ होगा, जो मैंने मेरे साथ बीता, जो मैंने चीज़ देखी, वो चीज़ मैं वीडियो में बता करूँगा, ब्लॉग में बता करूँगा। हाँ बाकी आप सपोर्ट बनाए रखना, बाकी और आगे वीडियो में दिखाएंगे कैसे क्या है, सब कुछ दिखाते रहेंगे ना। देख रहे हो भाई रेड लाइट हो रही है फिलहाल। रेड लाइट मतलब यहाँ पे बहुत जल्दी सिग्नल ग्रीन होता है यहाँ पे, मतलब ऐसे नहीं कि ट्रैफिक बहुत लंबा तगड़ा जाम लगता है, नहीं नॉर्मल जाम लगता है, जाम भी क्या लगता है, बस ऐसी बड़ी जल्दी रेड लाइट होती है और कुछ सेकंड में ही ग्रीन लाइट हो जाती है। सिग्नल का पता ही नहीं लगता कि आपका कितनी टाइम से सिग्नल पर खड़े हो, परेशान होते हो, ऐसा कुछ नहीं, सब चीज़ एक नंबर है, सारी रूल रेगुलेशन बराबर फॉलो करे जाते हैं ना। देख लो भाई ये है दुबई का स्टेडियम, यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल सब तरह के मैच खेले जाते हैं। स्टेडियम फुटबॉल क्रिकेट सारे मैच खेले जाते हैं। ये है दुबई का सबसे बड़ा स्टेडियम कहते हैं इसको, दुबई का एक ही स्टेडियम है। पहले भाई दुबई का ये वो एरिया है जहाँ पे थोड़ा सा आउट पड़ता है दुबई सिटी से, जहाँ पे रंबल ही रंबल, रेत ही रेत दिखेगा आपको ना, दूर दूर तक देखोगे रेत ही दिखेगा। हाँ तो ये थोड़ा सा आउटसाइड का एरिया है, बाकी ज़्यादा दूर नहीं पड़ती सिटी भी, 10 ही किलोमीटर दूर पड़ती है, बस इतना ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है ना। देख लो बाकी वैसे है ना कितना मतलब रंबल ही रंबल, रेत ही रेत दिख रहा है दूर दूर तक। पहुँचे अपने कैंप, चाय ले ली, चाय पीते हैं, उसके बाद जाएंगे रूम में,
नहाएंगे धोएंगे फ्रेश होएंगे। ज़िंदगी में ना सारा स्ट्रगल बहुत है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत आने के बाद ना कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। घर तो सारी चीज़ घर रहते तो सारी चीज़ ऐसी लगती है, करे तो ठीक ना करे तो ठीक। हम यहाँ तो खाने का भी ध्यान रखना पड़ता है, नहाने का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ करने वाला कोई नहीं ना, मम्मी तो होती नहीं, खुद करना पड़ता है। खुद करेंगे ठीक रहेंगे, फिर ड्यूटी करेंगे ठीक रहेंगे तो ड्यूटी करेंगे, ड्यूटी करेंगे तो सैलरी आई है ना। तो बस यार यही ज़िंदगी है, इसी का नाम ज़िंदगी है। छोटी सी ज़िंदगी क्या कुछ दिखा देती है ना, कोई बात नहीं। ज़िंदगी हमारे मज़े ले रही है, हम ज़िंदगी मज़े ले रहे हैं। चलो चाय भी लेते आ जाओ, पीनी है तो आ जाओ चाय। चाय गाइस, तो यार वो जो व्लॉग था वो अधूरा रह गया था, उसका एंड नहीं कर पाया था, रात को कुछ काम में बिजी हो गया था तो रात को लेट हो गया था, दिमाग से भी निकल गई कि व्लॉग का एंड भी करना है। तो भाई एक बार भाई सभी भाइयों से, जितने मेरे भाई जो भी व्लॉग देख रहे हैं, जो भी देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद यार, जो आप सपोर्ट करते हो, देखते हो मेरा, बस थोड़ी सी हेल्प और कर देना यार। जो व्लॉग देखो एक बार पूरा देखा करो ना, पता तो लगे। अब यार कटिंग कर करके स्किप कर करके देखोगे तो उसमें फिर डिटेल पूरी पता नहीं लगेगी ना। बाकी एक बार देखने के बाद लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो अपने चैनल को जो भाई नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है ना। शेयर मार दिया करो भाई, एक बार दबा के शेयर मार दिया करो, सिस्टम खींच दिया करो ना यार। शेयर मारने में कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं भी आपको भाई हूँ ना, मार दिया करो यार शेयर, मेरे को सपोर्ट मिलेगी, भाइयों को प्यार मिलेगा। जितने जो भी अपने जितने भाई हैं, भाई है, जो भी बहनें हैं, जो भी देख रही है, देख रहा है, कोई भी हो, फैमिली हो, रिलेटिव हो, फैमिली वाले हो, जो भी है, एक बार सपोर्ट मिल जाएगी ना, खींच के शेयर मार देगा ना। ओके, इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, ठीक है, ओके, लव यू ऑल ऑफ यू।